आप देख रहे हैं एसएसए मैजिशियन यूट्यूब चैनल। यार सुनो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, और जो बेल आइकॉन आएगा उससे भी दबा लेना, ताकि मेरी जेबी भी कोई नई वीडियो आए तो आपके फोन की भी घंटी बजे। सपोर्ट मी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमना सर और आप देख रहे हैं एसएसए मैजिशियन यूट्यूब चैनल। तो यार उम्मीद करता हूँ जो मैजिक मैंने आपको अभी दिखाया वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो एसएसए मैजिशियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि किसी प्रकार की मैजिक की वीडियो आप लोगों तक पहुंचे और आप उन्हें देख सके। हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी जादू सीख सके और वो भी मैजिशियन बन सके। तो यार चलो सिखाता हूँ आप लोगों को कि मैंने कैसे किया, इसे आप लोग कैसे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर आप बीच में वीडियो को स्किप करते हो तो आप शायद कुछ चांस मिस कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स जिससे कि मैजिक खराब हो सकता है। तो यार चलो सीखते हैं जादू को, एंजॉय कीजिए और एक लाइक तो बनता है यार। आप एक लाइक करते हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। उम्मीद करता हूँ एक लाइक तो जरूर करेंगे यार। चलो सिखाता हूँ आप लोगों को कि आप कैसे हाथ से रुमाल गायब कर सकते हो। रुमाल हो गया, चॉकलेट हो गया, कुछ भी आप गायब कर सकते हो और देखने वाले बंदे को कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि वो जादू कर रहा, कुछ जादू नहीं है उसको, सेम ही लगेगा कि वो हाँ जादू ही कर रहा है। तो यार जादू कुछ होता नहीं है, बस अंधविश्वास है, हाथ की कलाकारी, हाथ की सफाई है। इसे आप रियल ना लें, इसलिए आपको सिखाता हूँ इसे आप लोग कैसे कर सकते हो। इसमें जो सामान लगेगा वो आप कहाँ से परचेज कर सकते हो, तो चलो शुरू कर। चलो सीखते हैं जादू, चलो सीखते हैं जादू, चलो सीखते हैं जादू, चलो सीखते हैं जादू। यार इसमें जो आपको जरूरत पड़ने वाली है, इसमें जो आपको जरूरत पड़ने वाली है
वो है एक नैपकिन जो कि मैजिक शॉप पे मिल जाता है, स्पेशली मैजिक के लिए बने होते हैं। ये बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि यहाँ से आप मेरा फेस देख सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही पतले होते हैं, देख सकते हो बहुत ही पतले होते हैं ये, तो मैजिक शॉप पे आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आप किसी और कपड़े से करते हो तो ये नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। इसके लिए यही कपड़ा लेना जरूरी होता है। और एक आपको जरूरत पड़ती है डुप्लीकेट थंब। जी हाँ, ये डुप्लीकेट एक थंब अंगूठा बनाया हुआ है, जिससे कि अगर आप हाथ पे पहन के रखते हो, ये तो मैंने दूसरे कलर का लाया, मेरे पास एक दूसरे कलर का भी है जो सेम मास्क के साथ मैच करता है कलर। अगर आप इसे पहन के रखते हो, अगर आप अपने हाथ ऐसे चलाते हो तो पब्लिक को नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं दिखेगा कि इस हाथ पे कुछ है। ऊपर से क्या करते हैं मैजिशियन लोग, जैसे ये पहना हुआ है तो ये रुमाल जो है ना, रेड वाला या येलो, कोई भी कलर हो सकता है, उसे आप ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे जो ये डुप्लीकेट थंब है, ये डुप्लीकेट थंब के इधर रुमाल पकड़ लेना ऐसे, ठीक है, तो ये नहीं दिखता है, उतना ध्यान नहीं जाता यहाँ पे, वो भी दिखता भी नहीं है, लगता है अंगूठे से ही रुमाल पकड़ा हुआ है, कुछ इस प्रकार का दूसरा भी। तो च्वाइस करवाना है कि आप कौन सा कलर देखना चाहते हैं, कि कौन सा गायब हो, दो कलर रहते हैं, तो आप ये कर सकते हो कि येलो च्वाइस करो, रेड च्वाइस करो। तो आपने क्या बोला है, चलो रेड ही च्वाइस कर ले, सपोज कोई भी कलर हो सकता है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहां से जब इसके आप जेब में डाल देते हो या कहीं रख लेते हो टेबल पे, इसको ऐसे करके, ऐसे थोड़ा स्पीड में होना चाहिए काम, तो ऐसे करके ये अंगूठा आप यहाँ पे दे सकते हो। ये जो मुट्ठी में है ये अंगूठा यहाँ पे छोड़ना है, ध्यान रहे अंगूठा थोड़ा ढीला हो, अंगूठा आपको ऐसे करके ऐसे स्पीड में यहाँ पे छोड़ना है इसको। उसके बाद ये जो रुमाल है आपके हाथ पे, ये यहाँ पे प्रेस करना है पूरा ऐसे, ठीक है। जैसे आप ऐसे करोगे तो पब्लिक को लगेगा या किसी को भी लगेगा जिसको आप दिखा रहे हो, कि हाथ जो रुमाल है वो हाथ में जा रहा है, जबकि नहीं, वो जा रहे अंगूठे में, ठीक है, तो अंगूठे में जा रहे हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो पब्लिक ने बोल दिया हाँ यार गया रुमाल, उसके बाद आपको जो दूसरा कपड़ा है वो निकालना है और उससे ऐसे कुछ मंत्र मारने हैं, ऐसे झूठ फूट के, अपना स्पीड में काम होना चाहिए, फुर्ती जरूरी है मैजिक दिखाने में। यहाँ पे ऐसे करना है और ये जो अंगूठा है ना, ये जिसपे अंगूठा लगाया था डुप्लीकेट, वो यहाँ पे प्रेस कर देना है ऐसे, और उसको इस हाथ पे ऐसे उठा लेना है, ऐसे इस कपड़े के बीच में उसको उठा लेना है, और फिर मुट्ठी अपनी ऐसी रखनी है ताकि पब्लिक को लगे कपड़ा भी उसमें ही है। जब आप बोलोगे छू मंत्र काला कुछ भी, तो यहाँ पे कपड़ा गायब हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे रहता है। और जो दूसरा नैपकिन आता है वो कुछ इस प्रकार से घुमाता है जादूगर, और स्पीड में इसको इतनी स्पीड करता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता किसी को भी। बाद में ऐसा करोगे तो ये गायब हो जाएगा। जब वापस लाने की बारी आती है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे रहता है ये, अब मैजिशियन बोलता है वो कपड़ा वापस लाना है, तो ऐसे दोबारा से ऐसे करते हैं, तो ऐसे ऐसे फिर दोबारा से झूठे फूटे मंत्र मारते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे प्रेस कर लेते हैं हाथ से, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं इस अंगूठे से। उसके बाद ऐसे किया तो फिर ये कपड़ा जरूरत नहीं है इसकी, फिर इसको हटा देते हैं या जेब में रख लेते टेबल पे कहीं भी। उसके बाद इसको निकालते हैं, ये देखो कपड़ा वापस आ गया, सबको लगता है कि कपड़ा मुट्ठी से वापस आया है, जबकि नहीं, अंगूठे से कपड़ा वापस आया है। इसी प्रकार ऐसे हो जाता है। उसके बाद जब इसको हटाना है तो इसको यहीं पे तो नहीं छोड़ सकते ना, पब्लिक देख लेगी डुप्लीकेट अंगूठा है, इसको ऐसे करके दोबारा यहां से और यहां पे, काम स्पीड में होना चाहिए, यहां पे दोबारा से इसको छुपा लेना है ऐसे ऐसे। तो उसके बाद तो आप इनको इकट्ठा करके इसमें फोल्डिंग कर सकते हो, बोल सकते हो गया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये मैजिक पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, ताकि इसी प्रकार की मैजिक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक आ सके और आप उन्हें देख सके और सीख भी सके। यार मेरा मकसद अंधविश्वास को दूर करना है, जादू को बढ़ावा देना नहीं है, जादू कुछ एक कला है, जैसे आर्ट डांस की कला रहती है, ऐसी भी एक जादू की कला है, ठीक है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं होते हैं। यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मैजिक की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।